अगर चाहते हो कि 2023 हमारे लिए बेस्ट हो, चलो आओ एक वचन देता हूं मैं आपको। भजन संहिता पैंथस 65 पैंट पंजाबी च है। पैंथस की हम 5 से पढ़ेंगे। कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर दूर के समुन्द्र पार के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। सुनो ध्यान से, मैं फिर से आपको पढ़ाता हूं। कहता है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर दूर के समुन्द्र पार के रहने वालों के आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। ये भयानक काम क्या है? ये उद्धार क्या है? जब तुम भयानक काम उसके लिए करके दिखाओगे, जैसे प्रेरित पॉल ने अगर तुम 2 कुरिन्थियों 11 पढ़ोगे तो वो अपने परिश्रम अपनी मेहनत के बारे बताता है। बोलो क्या बताता है? अपनी मेहनत के बारे बताता है, मेहनत के बारे कि मैंने क्या क्या किया उसके लिए। पढ़ना उसको, इन वचनों को पढ़ो। जब तुम वचन अंदर नहीं ना होता तो खाली बर्तन से आवाज आती है, फिर उतना प्रेम नहीं आता जितना उसने किया है, फिर मन नॉर्मल रहते हैं। ये 2 कुरिन्थियों 11 की मैं आपको नोट करा देता हूं। ग्यारह की 21 से लेकर 29 तक है, जहां पे वो अपनी मेहनत के बारे बताता है। क्या बताता है? उन भयानक कामों के लिए, उस उद्धार जो परमेश्वर ने प्रेरित पॉल का भी किया। हाँ, क्या किया था? तो वो अपनी मेहनत के बारे बताता है, मैंने उसके लिए क्या क्या किया। हाँ, कैसे मैंने जोखिमों को सहा, कैसे मैंने ठंड में डाकुओं के, यहां पे बहुत सी चीजें देखो लिखा। कहता मैंने, अगर आप इसकी 24 पढ़ो तो कहना 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैंते खाई। किसके प्रेम के लिए? किसके प्रेम के लिए? ये भयानक का जो प्रेरित पॉल दिखा रहा, किसके उद्धार के लिए? कहता 5 बार मैंने यहूदियों से, 1 बार नहीं, यीशु मसीह ने 1 बार कोड़े खाए, इसने 5 बार कहता मैंने यहूदियों से 39 कोड़े खाए। अब देखो उसका प्रेम देखो। कुछ लोग कहते हैं मेरा ये काम, वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन खराब करते हैं, आगे पीछे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन खराब करते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। पांच बार मैंने, है ना, ये 3 बार मैंने बैंते खाई। बैंते समझते? बैंत जैसे वो जिसे हम डंडा बोलते हैं पंजाबी में, उनसे मुझे डंडे से मारा गया। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार मैं जहाज जिन पर चढ़ा वो टूट गए, और 1 रात 1 दिन मैंने समुन्द्र में काटा। देखो उसका परिश्रम, देखो उसने भयानक काम किया। क्या किए? ये भयानक काम है। जब तुम भयानक काम करके दिखाते हो परमेश्वर को, जैसे अगर आप 2 तिमोथियस 4:6 से पढ़ो तो 5-6 में लिखा है कि वहां पे 2 तिमोथियस 4 तो वहां पे तिमोथियस को उसने कहा है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। क्या लड़ी है? मैंने कुश्ती संबंधी एक जंग जैसी होती है,
जैसे कुश्ती लड़ते, कहते मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मेरे लिए तो जीवन के धर्म का मुकुट रखा है, मेरे लिए नहीं, जितने उसे प्रिय जानते उनके लिए भी है, पर तू क्या कर, अब अपने विश्वास की क्या कर, रखवाली कर। हाँ, मैंने तो की है, मैंने तो अच्छी कुश्ती लड़ी है, अब तेरी बारी है, तू कर। मेरे लिए तो धर्म का वो मुकुट परमेश्वर ने रखा है, मेरे लिए नहीं, कहता जितने उसे प्रिय जानते उनके लिए भी रखा। कितने जानते हैं कि परमेश्वर मुझे, जिस दिन मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे मुकुट देगा। कुछ लोगों का मुकुट मुकुट लेने का नहीं मन है। हाँ, देगा कि नहीं देगा? वो लिखा जितने उसे प्रिय जानते हैं, क्या जानते हैं? इसलिए यहां पे दाऊद क्या कहता है, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देश के और दूर दूर के समुद्र पार के रहने वाले आधार, तू धर्म के किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमें मुंह मांगा वर दे? अब परमेश्वर दे सकता, तुम जो चाहोगे वो दे सकता। अगर तुम चाहते हो हमारे मुंह मांगा वर दे तो वह दे सकता, तुम जो चाहते हो वह दे सकता, पर कैसे देगा? जब तुम भयानक कामों को अपने जीवन से प्रकट करके दिखाओगे। हाँ, अब तुम्हें ठंड लग रही है, तुम 12 बजे आ रहे हो, ये भयानक काम नहीं है उसके उधार के। जब तुम भयानक काम उधार के दिखाओगे तो लिखा तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। क्या देगा तुम्हें? मुंह मांगा वर देगा, मुंह मांगा, जो तुम चाहोगे वो देगा। पर तुमने भयानक काम करके दिखाया नहीं, तुम्हें तो ठंड ने दबा लिया है। जैसे यीशु ने कहा है कि बीज बोने वाला निकलिया, उदाहरण दी ना उसने, एक तो कहां पे गिरा और दूसरा पथरीली में और तीसरा झाड़ियों में, उसने दबा लिया। पर जो अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोया जाता, उसने कहा 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आएगा। ये आपके ऊपर है, आप 30 लेकर आना चाहते हो, 60 के 100 गुना, कितना लेकर आना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मुंह मांगा वर मुझे चाहिए परमेश्वर से, तो वो देगा, पर भयानक काम दिखाने पड़ेंगे। क्या दिखाने पड़ेंगे? आपने मेरी टेस्टामनी सुनी, मैंने गवाहियां सुनी। एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, जब मैं प्रभु में आया तो मैं पाप में था, मैं अंधकार में था। हाँ, अगर चाहता तो मैं लाखों रुपया इकट्ठा कर सकता। मेरे साथ वाले लोगों ने कोठियां बना ली, प्लॉट ले लिए, दो दो तीन तीन, पर मैं कुछ नहीं, मैंने अपना सारा पैसा नशे में क्या किया, बर्बाद किया। चाहता तो मैं भी उस समय कर सकता था, पर मैं अंधकार में था, पाप ने मेरा सब कुछ क्या कर लिया। फिर भी मैं अपने, मैंने पहले भी गवाही दी, फिर भी मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपया था। जब मैं प्रभु में आया, मेरी शादी होगी, कुछ उसमें खर्च हो गया, कुछ और चीजों में, अब मेरे 50,000 रुपया अकाउंट में था। जैसे यीशु मसीह ने एक विधवा के दान को सराहा कि तुमने अपने जादे से दिया, इसने जीविका को बोया, जबकि उसने दूसरों से बहुत कम बोया था, पर उसके दान को क्यों सराहा? क्योंकि उसने अपनी जीविका को बोया। आज एक सिस्टर आई नहीं है, उसको आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि तुम ये ऐसे ऐसे ये चीज करना, पर परमेश्वर ने उसकी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए मैंने कहा ये काम करो तुम्हारा हो जाएगा, पर उसका दिल ही नहीं खुला। हॉस्पिटल में उसने खर्च कर लिए, पर जब खुदावंद ने वचन दिया तो उसने मन को क्या कर लिया। यही होता है, जब तुम भयानक काम करके दिखाओ तो तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। तुम्हारा मन ही पैसों पर है तो फिर परमेश्वर हाँ कैसे वो दिखा तुम्हें देगा मुंह मर मांगा वर? समझ आ रही है? तुम्हारा मन सोने पे, पैसों पर। लिखा तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, किससे हुआ है? किसके लहू से हुआ है? बोलो किससे हुआ है? किससे हुआ है? जब तुम ऐसे दिल रखते हो, बोलो क्या है?
जब मैंने ऐसे किया प्रभु के लिए, मैंने अकाउंट खाली किया, खुदा ने लाखों रुपया मेरे अकाउंट में डाल दिया। जब मैं तब की बात है जब मैं काम करता, लाखों लाखों, कितने लाखों का घर, मेरे पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने खुद बनाया, मेरी लैंड अपनी है, खुद की जमीन मेरी खुद की है, ऊपर जितने लाखों मैंने खर्च किया मैंने खुद किया है, कुछ मेरे माता पिता की संपत्ति नहीं, खुदा ने दी है। पर एक समय था जब खुदा के लिए किया मैंने, भयानक काम किया, दिखाया उस चीज को, कहता तुम्हें मांगा मर देगा, क्या देगा, मैंने एक भी बेटा नहीं। पहले के लिए जब परमेश्वर ने कहा तो उसने अपनी सुविच्छा को डाला, क्या लगाया, उसने सुविच्छा लगाया, मैं तुझे बेटा दूंगा, क्या दूंगा, जैसे हन्ना रो रही थी, परमेश्वर ने अपनी सुविच्छा को लगा, ठीक है मैं तुझे दूंगा, मेरे लिए करेगी, मेरे लिए भयानक काम करेगी, मेरे भवन के लिए उस बेटे को दे देगी। तो उसने कहा ठीक है दे दूंगी। हाँ, उसका एक भी नहीं था, कितने हो गए उसके, लोग सारी उम्र सफर करते रहते पर उसे समझ नहीं आती, इसलिए लगा ज्ञान बिना पर्चा क्या होती है। जब तुम भयानक काम करके दिखाओगे उसे तो मुंह मांगा मर देगा, तुम क्या देगा, तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। एक के लिए उसने सुविच्छा लगाई मैं तुम्हें दूंगा, दूसरे के लिए मैंने मांगा भी नहीं तो खुदा ने उसको भी दे दिया। अब हमें कोई बोल रहे थे हमारी रिश्तेदारी में कि अगर आपका तीसरा बच्चा होगा तो वो भी बेटा होगा, मैंने कहा नहीं बात दो ही बहुत है, क्या है दो ही बहुत है, समझ आ रही है। जब तुम भयानक दिखाते हो ऐसे नहीं, यहाँ पे एक सिस्टर आज गवाही उसकी दे रहे थे, क्या नाम है, जिसकी डिलीवरी की गवाही दे रहे थे, क्या नाम है उसका, जसबीर, खड़े हो जाओ जहां पे भी आप, दे देखो भाग कर जाओ उनके पास, सुनो देखो इनका प्रेम देखना। कितने साल बाद आपके वो बच्चा हुआ था, जो कितने साल बाद हुआ था, हाँ बेटियों के बाद, तीन साल बाद ये आप यहीं से आपने स्टार्ट किया कि पहले किसी और चर्च में जाते थे, जाते थे है ना, तो यहाँ पे आकर परमेश्वर ने रास्ता खोला, क्या खोला, 3 साल बाद इनकी 3 बेटियां थी, परमेश्वर ने बेटा दिया, हमने भी खुशी मनाई, धन्यवाद किया परमेश्वर का, क्या किया, मैं नहीं जानता हूं कि परमेश्वर तो नुकसान नहीं करते, इसका कारण क्या, क्यों नुकसान हुआ, इनके बेटे की डेथ हो, पर ऐसे भी लोग मिलेंगे प्रभु में के जो लोग छोड़ देंगे यीशु मसीह को, लो हमारा काम नहीं हुआ, परमेश्वर ने साडा मुंडा खो लिया, ये कर लिया, ही नहीं आना उन्होंने, ऐसे भी लोग मिलेंगे। पर जब तुम, ये एक भयानक काम है, तुम नुकसान होने के बावजूद भी उसके उद्धार के उस कार्य को पूरा कर रहे हो, ये भयानक काम, जब भयानक काम तुम करके दिखाओगे तो तुम्हें मुंह मांगा भी वर देगा, ये नहीं मेरा नुकसान हो गया तो मैं मन खराब करूं, मैंने नहीं आना उन्ना जी, हाँ मैंने नहीं आना, देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, आज मैं बता रहा हूं इसके लिए कि परमेश्वर जब इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरा मन भर गया, जैसे लाजर जब मर गया तो यीशु मसीह रोए, आपको पता है ना, बोलो क्या है, यीशु मसीह रोए, वो क्यों रोए आपको पता है, उसके पीछे एक बड़ी जानकारी है, बड़ी 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 जानकारी है, छोटी नहीं, वो क्यों रोए बाद में बताऊंगा आपको। पर इसका नुकसान होने के बावजूद भी ये परमेश्वर के साथ खड़ी, ये छोटी चीज नहीं है, पैसों पूसों की बात हो तो कोई नहीं चल जाता है, ये एक भयानक काम है। जब तुम भयानक दिखाओगे तो परमेश्वर अब मुंह मांगा वर देगा, क्या देगा, मुंह मांगा वर देगा, मुंह मांगा, छोटी छोटी, कई लोग छोटी छोटी चीजों को, उन्हें कुछ बोल दो ना, 4 बातें बोल दो तो भी मन खराब कर लेंगे, और लो जी सानू एदा को किया है, तुम उसके किए उद्धार का भयानक काम करके दिखाओगे तो तुम्हें मुंह मांगा वर देगा, तुम जो चाहोगे वो करे, क्या करेगा फिर वो,
तुम जो चाहते वो करोगे। चाहते हो कि 2023 हमारे लिए बेस्ट हो, तो ये भयानक कामों को आपने करके दिखाना है उस उद्धार के लिए जो उसने आपका किया। हाँ, ये नहीं है ठंड है, आ ये वो है, तुमने दिखाना है। आपको पता है जब मेरे फादर इन लॉ की, मेरे सोरा साहब की डेथ होगी, मैंने टाइम दिया, मैं तब भी यहां पे आ गया। अपने खुश किसको करना है? अब बोलोगे हाँ ठीक है, मैं नहीं कहता जाओ नहीं, जाओ भाई जाओ, कोई बात नहीं, तुम मिलकर आओ, आगे जल जाओ पीछे चल जाओ, कोई बात नहीं, वहां पे होकर आ जाओ, जब बाद में चले जाना, कुछ तो करो, तुम्हें करके दिखाने पड़ेंगे ब्याने काम ये उसके प्रेम के लिए, फिर देखना वो तुम्हें मुंह मांगा वर देगा। क्या देगा? नहीं, वो मुंह मांगा वर देगा, आपको मुंह मांगा, आप जो चाहोगे वो करेगा। क्या करेगा? तुम जो चाहोगे वो करेगा। अगर चाहते हो कि 2023 हमारे लिए बेस्ट हो, तो आज से उस उद्धार के लिए खुदावंद को भयानक काम करके दिखाने आपने। हाँ, ये नहीं है मेरा मन पैसों पर है, संसार की चीजों पर है। हाँ, मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं है, मेरा आने को मन नहीं है, अपने करके दिखाने। आपने मेरी एक गवाही सुनी प्रेम के ऊपर, मैं सबसे प्रेम करता था, मेरी लाइफ में एक बंदा था, ये भयानक काम है जो अपने करके दिखाने। क्या बोलोगे? ये करके दिखाने, करके दिखाओ, देखना वो तुम्हें अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? वो अपना किया हुआ उद्धार तुम्हें दिखाएगा, वो बताएगा कि मैं कौन हूं। जैसे उसने दाऊद को कहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया, मैं तुझे चढ़ाऊंगा और उच्च स्थानों पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि तूने जो मेरे नाम को छान लिया। क्या कर लिया है? तूने जो मेरे नाम को छान लिया, स्नेह मतलब जो तूने मुझसे प्रेम किया है, तूने मेरे नाम को छान लिया, मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी और उच्च स्थानों पर लेकर जाऊंगा, तो उसका वादा है। बोल क्या है उसका? इसराइलियों के साथ उसका वादा था। जो व्यवस्था विवरण जब पढ़ते हो 28 की एक, तो उसने कहा यदि तू मेरी सब आंखों को चित लगाकर चौकसी से पूरा करेगा, मैं पृथ्वी की सब जातियों से ऊंचा करूंगा। उसका वचन झूठा नहीं है। बोलो क्या उसका वचन झूठा? झूठा है, झूठा है भाई। पक्षपात करता है, करता है पक्षपात। एक को चंगा करे, एक को ब्लेस करे और दूसरे को ना करे। जहां पे आपको मुश्किल लगती है, उसका वचन कहता मुझसे प्रार्थना कर। क्या कर? मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे। जो बातें तेरे लिए कठिन है, बड़ी है, मैं तुझे बताऊंगा। जब शैतान आपकी आपको अपनी चुक्ति में फंसाता है, तो आप किसके आगे प्रार्थना करो? किसके आगे प्रार्थना करो? किसके आगे प्रार्थना करो? किसके आगे? परमेश्वर के आगे प्रार्थना करो। कहता जो बातें तेरे लिए कठिन है, बड़ी है, औखी है, मैं तुझे उत्तर दूंगा। देगा कि नहीं देगा? अगर चाहते हो 2023 हमारे लिए बेस्ट हो और खुदावंद की स्वर्ग की ओर से हमें उत्तर मिले, तो आज से भयानक काम करके दिखाने। हाँ, अपने किए उद्धार को अगर देखना चाहते हो, तो उसने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, पर तुम मेरे उद्धार के भयानक कामों को करके। हाँ, क्या करो? करके दिखाओ भाई, करके फिर वो अपना उद्धार तुम्हें दिखाएगा। क्या दिखाएगा तुम्हें? फिर तुम्हें अपना उद्धार दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। तैयार हो? मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ, इन बातों का अंगीकार करो, इन वचनों को लेकर अंगीकार करो। अगर चाहते हो कि 2023 हमारे लिए बेस्ट हो, क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम उसके लिए बेस्ट करते हो, तो वो तुम्हें बेस्ट देता है।